यमराज भी हो गए अपने काम से परेशान, यहाँ तक कि उन्होंने अपना काम छोड़ना चाहा। आखिर क्यों? तो हुआ यूं दोस्तों कि जब भी कोई इंसान का वक्त पूरा हो जाता तो मृत्यु के देवता यमराज वहाँ उपस्थित हो जाते उस इंसान को मृत्यु दान करके साथ ले जाने के लिए। तब उस इंसान के परिजन यमराज को बहुत गालियाँ देते, जी भर के उन्हें कोसते, जो कि उन्हें बहुत बुरा लगता। तो वो श्रीहरि विष्णु के पास गए और उनसे विनती करके कहा कि प्रभु, और मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। आपने हरेक देवी देवताओं को अच्छे से अच्छा काम दिया और मेरे हिस्से में ऐसा काम, और लोगों की मैं गालियाँ नहीं सुन सकता प्रभु, नहीं सुन सकता। तो श्रीहरि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा तो यह बात है, आप निश्चिंत होकर जाइए यमराज, आज के बाद से आपको और कोई गाली नहीं देगा। तो मायापति की माया चली और उसके बाद से जो भी कोई इंसान मरता है तो लोग क्या कहते हैं, कैसे मरा? अरे बेचारा एक्सीडेंट हो गया, अरे बहुत बीमार था, अरे लड़ते लड़ते मर गया, अरे उसने फांसी लगा ली, अरे जहर खा लिया उसने, और ना जाने क्या क्या।